अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम उसामा रियाज है। आप गूगल लाइसेंस का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ पीपीएससी के अंदर असिस्टेंट की जॉब आई है। ये जॉब होती क्या है, ये फीमेल्स के लिए अच्छी है या नहीं, फीमेल्स कर सकती हैं या नहीं कर सकती। इसके अलावा मैं आपको इस जॉब के बारे में डिटेल से हर चीज़ बताऊंगा, ठीक है? तो इस वीडियो के अंदर हम असिस्टेंट की पोस्ट को अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। देखो, पीपीएससी मैंने लिखा गूगल के ऊपर, गूगल के ऊपर मैंने लिखा पीपीएससी। अब ये आ गया सबसे पहले हमारे पास एक लिंक। इस लिंक के ऊपर हम करेंगे क्लिक। लिंक के ऊपर हमने क्लिक कर लिया। अब पीपीएससी की वेबसाइट ओपन हो गई है। पीपीएससी की वेबसाइट पे इस साइड पे आती है करंट एडवर्टाइजमेंट्स, जो अभी चल रही होती हैं वो आती हैं। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 18 के ऊपर जो है वो मैं क्लिक करूंगा, ठीक है? एडवर्टाइजमेंट नंबर 18 के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। अब एडवर्टाइजमेंट नंबर 18 ओपन हो गई, ठीक है? अब एडवर्टाइजमेंट नंबर 18 में जो पहली पोस्ट आई है वो आई है केस नंबर 7RJ, और आर ना भी लिखा हो तो 7J 2023। 7 पोस्ट आई है और ये सातों के सातों जो पोस्ट हैं ये खवातीन की हैं। वीमेन कोटा है, ये ग्रेड 16 के असिस्टेंट की पोस्ट है रेगुलर बेसिस के ऊपर। असिस्टेंट होता क्या है? देखें, जितने भी सरकारी दफातर हैं, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, उसमें दो तरह का स्टाफ होता है, एक ऑफिसर्स और दूसरा क्लैरिकल स्टाफ। अब जो असिस्टेंट होता है ये किसी को पर्सनल सेक्रेटरी नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते कि जो असिस्टेंट है वो किसी का पर्सनल सेक्रेटरी है। असिस्टेंट किसी का भी पर्सनल सेक्रेटरी नहीं होता। असिस्टेंट का काम होता है ऑफिस को असिस्ट करना, ठीक है? अब असिस्टेंट का रोल क्या होता है, जो क्लैरिकल स्टाफ होता है उससे असिस्टेंट काम करवाता है, ठीक है? तो जो क्लर्क होते हैं एक दफ्तर के अंदर, उनसे कौन काम करवाता है? असिस्टेंट काम करवाता है। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए बहुत अच्छी पोस्ट है। ये फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी पोस्ट है। इसमें बहुत ज्यादा सरखपाई नहीं है, ये बड़ी रिलैक्स या रिलैक्सिंग जॉब है, ठीक है? मतलब आप मेंटली तौर पर रिलैक्स होते हैं, इतना ज्यादा काम भी नहीं होता, और एक अच्छी पोस्ट है ये। ग्रेड 16 के आप एक गजटेड ऑफिसर होते हैं। वो लड़कियों को लाजमी इसमें अप्लाई करना चाहिए, ठीक है? अब इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है? इसमें जो एजुकेशन रिक्वायर्ड है वो बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड है। बेशक किसी ने BA किया है, BSc किया है, या BSc ऑनर्स किया है, या BS किया है 4 साल, या BSc ऑनर्स किया है, या BA ऑनर्स, 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन जो है बैचलर्स, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जो बैचलर्स डिग्री है वो किसी भी सब्जेक्ट में हो आप अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर्स डिग्री जो है वो किसी भी सब्जेक्ट में हो तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? अब बैचलर्स डिग्री मैथ में हो, HND में है, DVM में है, बायोटेक में है, एग्रीकल्चर में है, इंग्लिश में है, किसी भी सब्जेक्ट में है, आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट पे। नीचे लिखा हुआ है स्पीड ऑफ 25 वर्ड्स पर मिनट इन टाइपिंग ऑन कंप्यूटर इन इंग्लिश। अच्छा, ये आपको ना अपने लैपटॉप के ऊपर, अपने कंप्यूटर के ऊपर एक एप्लीकेशन टाइपिंग टेस्ट की डाउनलोड करनी पड़ेगी, ठीक है? और आपको उस ऐप पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है? आपको उस ऐप के ऊपर जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये 25 वर्ड्स पर मिनट की जो स्पीड है ये कोई ज्यादा स्पीड नहीं है। अगर आप कंप्यूटर के ऊपर प्रैक्टिस करोगे, अपने लैपटॉप के ऊपर प्रैक्टिस करोगे, तो आप इजीली इतनी स्पीड अचीव कर सकते हो। तो बैचलर्स डिग्री के साथ साथ उन्होंने मांगा हुआ है कि बंदे की 25 वर्ड्स पर मिनट लिखने की स्पीड भी हो। अब बात करते हैं, अच्छा, आ दी इज आर ये भी एक वर्ड होते हैं। एज लिमिट कितनी है?
18 से लेके 30 साल तक की खवातीन अप्लाई कर सकती हैं, प्लस 8 साल की एज रिलैक्सेशन है, यानी 38 साल तक की खवातीन अप्लाई कर सकती हैं। और एज रिलैक्सेशन जो ये तमाम खवातीन के लिए, एज रिलैक्सेशन जो है वो तमाम लड़कियों के लिए है, ठीक है, एज रिलैक्सेशन जो है ये तमाम लड़कियों के लिए है, तो लाजमी आप अप्लाई करें। जेंडर कौन अप्लाई कर सकता है? जस्ट फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं, पूरे पंजाब की खवातीन अप्लाई कर सकती हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या है जी? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब लाहौर, यानी जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का दफ्तर है लाहौर में, वहां पे आपकी पोस्टिंग होगी, बाद में ट्रांसफर वगैरह हो ही जाती है। अच्छा, 100 MCQ का पेपर आएगा, सिलेबस क्या आएगा पेपर में, क्या आएगा सिलेबस? 100 MCQ का पेपर आएगा, जीके बेस्ड पेपर है, आपकी डिग्री में से कुछ भी नहीं आना, ठीक है, आपकी डिग्री में से कुछ भी नहीं आना। पहले एक 100 मार्क्स का जीके का पेपर होगा, और आपकी डिग्री में से कुछ भी नहीं आना, जीके में से आना। जीके में क्या होता है? जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडीज, ज्योग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस, बेसिक कंप्यूटर स्टडीज। तो जनरल नॉलेज के बगैर गवर्नमेंट जॉब लेना बहुत मुश्किल है, जनरल नॉलेज के ऊपर आपको कमांड हासिल करनी पड़ेगी। अच्छा, असिस्टेंट में अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 19 अक्टूबर 2023 है, और पीपीएससी की वेबसाइट पे ही अप्लाई होना है। मैं आपको तरीका बता देता हूँ, गूगल लाइसियम के यूट्यूब चैनल के ऊपर भी पूरे का पूरा एक वीडियो पड़ी हुई है, और मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी शेयर करूंगा। तो ये अप्लाई ऑनलाइन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करके अप्लाई करना है, और पूरे का पूरा प्रोसीजर जो है वो ऑनलाइन है। 19 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 19 अक्टूबर रात 11:30 बजे तक, ठीक है। गूगल्स लाइसियम का अगर अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो अभी मुझे मैसेज करें, और गूगल्स लाइसियम का प्रिपरेशन बैच स्टार्ट हो रहा है 9 अक्टूबर 2023 से। 9 अक्टूबर 2023 से इस पोस्ट की तैयारी का सेशन स्टार्ट हो रहा है। रात 9 बजे जो है वो क्लास का टाइम होगा, जूम ऐप के ऊपर क्लास हुआ करेगी, और 9 से 10:30 क्लास का टाइम होगा, 2 माह का सेशन होगा, और तमाम गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करवाई जाएगी। एक दफा मेरे कहने पे ये सेशन लें, ठीक है, आप खुद फील करेंगे कि आप में कितना फर्क आया, कितना डिफरेंस आया। देखो, अगर गवर्नमेंट जॉब हासिल करनी है तो ये जीके करना ही पड़ेगा। हर जॉब की एडवर्टाइजमेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, सिलेबस में जीके लाजमी होता है, जीके के बगैर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलनी, बेशक कोई भी है। लेक्चरर के अंदर भी 100 में से 20 MCQ जीके के आने ही आने हैं। तो 03004219263 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अपना नाम लिख के, अपनी डिग्री लिख के, और जिस काम के लिए आपने मैसेज करना है वो काम लिख के मुझे मैसेज करें। और अगर अभी तक आपने गूगल लाइसियम का जॉब्स वाला ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन करें, आपको हर जॉब की अपडेट मिलेगी, ठीक है। तो बाकी गूगल लाइसियम के हर ग्रुप के अंदर मैं इसलिए एडवर्टाइजमेंट भेज देता हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जो उस ग्रुप में ऐड होते हैं और किसी ग्रुप में ऐड नहीं होते, तो इसलिए फिर मैं जॉब की एडवर्टाइजमेंट भेज देता हूँ। तो आप लोग सोरे ना पढ़ा करें, जितना पंजाबी का लफ्ज होता है ना तंग होना, कि ये मैंने वो भी ग्रुप ज्वाइन किया है, मैंने वो भी ग्रुप ज्वाइन किया है, तो आप ग्रुप लेफ्ट करने लग जाते हैं। तो इतनी आपको क्या मुसीबत पड़ जाती है कि आप ग्रुप लेफ्ट करने लग जाते हैं? देखें, उस ग्रुप के अंदर कभी भी कोई फजूल मैसेज नहीं आया, हमेशा काम की वीडियोज ही आई हैं, काम की चीजें ही आई। जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें हम कोई चैट तो करते नहीं, हम कोई गपशप तो करते नहीं, तो जितने भी मैसेजेस आते हैं वो काम के ही आपको आते हैं, ठीक है। अब एग्री जॉब्स है, एग्रीकल्चर ऑफिसर का ग्रुप है, एओ टेस्ट सीरीज है, जॉब अलर्ट है, ये जो ग्रुप्स है इनमें एग्रीकल्चर का मटेरियल आना है, ठीक है, एग्रीकल्चर टेस्ट का। जो यूएफ, जो गूगल लाइसियम के यूएफ एमफिल एंड पीएचडी टेस्ट है, इसमें जॉब्स का मटेरियल भी आना है, इसमें स्कॉलरशिप्स का भी आएगा, इसमें एमफिल पीएचडी के एडमिशंस का भी आएगा, और बाकी जो मामला होंगे। जो इंग्लिश टेस्ट सीरीज भी, अच्छा, गूगल लाइसियम स्टार्ट कर रहा है, फ्री इंग्लिश टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहा है गूगल लाइसियम, जिसमें वोकैब और इंग्लिश ग्रामर की टेस्ट सीरीज है, तो उसका ग्रुप है। अब
इंग्लिश वोकैब वाला जो ग्रुप है उसमें इंग्लिश वोकैब और इंग्लिश ग्रामर से रेलिवेंट चीजें आएंगी, प्लस ये जो जॉब्स वगैरह की वीडियोस हैं ये भी उसमें आएंगी। तो काइंडली हर ग्रुप लेफ्ट करने ना बैठ जाया करें, हर ग्रुप की अपनी एक खास बात है, ठीक है। अगर आपके पास दो तीन ग्रुप्स में सेम मैसेज आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उस ग्रुप में उससे रेलिवेंट चीज नहीं आएगी। अब बायो का जो ग्रुप है उसमें बायो से रेलिवेंट भी चीजें आएंगी, जो बोटनी का ग्रुप है उसमें बोटनी से रेलिवेंट भी चीजें आएंगी, जो जोलॉजी का ग्रुप है उसमें जोलॉजी से रेलिवेंट भी चीजें आएंगी। तो अगर जोलॉजी से रेलिवेंट कोई चीज मैंने भेजनी होगी तो मैं जोलॉजी के ग्रुप में भेजूंगा। तो हर डिग्री का एक अलग अलग ग्रुप मैंने इसलिए बनाया कि ओवरऑल जनरल अनाउंसमेंट भी उस ग्रुप में कर दी जाए और उस ग्रुप और उस डिग्री से रेलिवेंट स्पेसिफिक चीज जो है वो भी उस ग्रुप में भेजी जाए। अब इस तरह FPSC लेक्चरर की जॉब्स आई हैं, तो मैंने एग्रीकल्चर वाले जो ग्रुप्स हैं उनमें नहीं अनाउंस किया क्योंकि एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स लेक्चरर में एलिजिबल नहीं है। तो जो जो ग्रुप वाले जिस जिस ग्रुप में मुझे पता था कि इसमें बच्चे लेक्चरर जॉब्स के लिए एलिजिबल हैं या मैकेनिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल है, उनके ग्रुप्स के अंदर मैंने शेयर कर दिया, ठीक है। तो बहुत से ऐसे मैसेजेस होते हैं जो आपके ग्रुप में नहीं आते लेकिन वो स्पेसिफिक ग्रुप्स में आते हैं जो उनसे रेलिवेंट होते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं मैक्सिमम रेलिवेंट डाटा ही आप तक पहुंचाऊं, ठीक है। तो 9 अक्टूबर से सेशन स्टार्ट हो रहा है, 9 अक्टूबर से सेशन स्टार्ट हो रहा है। काइंडली अपने आप के ऊपर थोड़ी सी मेहरबानी करें, ये पाकिस्तान का सबसे सस्ता तरीन सेशन है, यानी बाकी जो अकेडमी की जो फीस है जो मेरे कंपिटिटर्स हैं वो 15-20 हज़ार से कम नहीं ले रहे, ठीक है। मेरा 2 माह का सेशन है और कंप्लीट सेशन की फीस 4 हज़ार है। वो भी लोग हैं जो पढ़ाते पढ़ूते कुछ भी नहीं और 4 हज़ार महीने की फीस ले रहे हैं, ठीक है। तो उनके अपने कॉन्सेप्ट इतने अच्छे क्लियर नहीं है। तो आप एक दफा मेरे कहने पे ये सेशन ज्वाइन करें, अगर आपको फर्क नहीं पड़ता, अगर आपको अपने अंदर एक डिफरेंस क्रिएट होता हुआ नजर नहीं आता, तो फिर मुझे कहिएगा, फिर मैं आपका कसूरवार हूंगा, ठीक है, कि मैंने आपको गलत गाइड किया। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 साल से मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ और मेरे 160 170 स्टूडेंट जो हैं वो डिफरेंट जॉब्स के ऊपर ना सिर्फ क्वालिफाई हुए बल्कि जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि ये सेशन लाजमी ज्वाइन करें तो इट मीन्स कि ये आपके फायदे का है, ठीक है। एक तो ये पिछले सेशन से डिफरेंट होगा और दूसरा जो है ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, बहुत सूदमंद रहेगा। आप कहेंगे कि आपके पैसे हलाल हो गए, ठीक है। तो एक दफा मेरी रिकमेंडेशन पे, मेरे कहने पे जो 9 अक्टूबर वाला बैच है वो लाजमी ज्वाइन करें। अच्छा, गूगल लाइसेंस के यूट्यूब चैनल पे उस बैच की एक डिटेल वीडियो भी आ जाएगी। उस बैच का नाम है बैच नंबर 23, जो मंडे से 9 अक्टूबर से बैच स्टार्ट हो रहा है ना, उस बैच का नाम है बैच नंबर 23, मंडे ट्यूसडे वेंसडे। चले, आप लोगों की आसानी के लिए मैं 3 फ्री क्लासेस ऑफर करता हूँ, आप लोग 3 दिन पढ़ लें, 3 दिन फ्री पढ़ लें। एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा, वो आएगा थर्सडे की रात को या फ्राइडे की सुबह को। तो थर्सडे की रात को या फ्राइडे की सुबह को मैं एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो आपको सेंड करूंगा, वो फिल करना है आपने और आप गूगल लाइसियम की बैच नंबर 23 की, यानी जो तहसीलदार, असिस्टेंट इंस्पेक्टर, एक्साइज एंड टैक्सेशन और जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स है उनकी तैयारी का जो सेशन है उसकी पहली 3 क्लासेस फ्री अटेंड करें, ठीक है। पहली 3 क्लासेस मैंने कभी ऑफर नहीं की, मैं कभी एक क्लास फ्री की ऑफर नहीं करता। तो पहली 3 क्लासेस जो है वो आप फ्री अटेंड करेंगे, ठीक है। तो मेरी रिकमेंडेशन पे, मेरे कहने पे ये बैच लाजमी ज्वाइन करें। अच्छा, असिस्टेंट की पोस्ट पे भी लाजमी अप्लाई करना लड़कियों, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लड़के इसमें नहीं होंगे, सिर्फ लड़कियों का कंपटीशन है। तो तकरीबन 35 लड़कियों ने इंटरव्यू के लिए जाना है, तो 35 टॉप 35 लड़कियों में आना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप एक प्रॉपर 1 महीना लगा के तैयारी कर लो, दिन रात एक करके तैयारी कर लो, आप उन 35 लड़कियों में एक होगी और आप
एट दी एंड जो 7 सिलेक्ट होंगे उनमें से भी एक होगी इंशाल्लाह। तो बाकी मेरा ये व्हाट्सएप नंबर नीचे लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप लोग मैसेज करें, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, जो सेशन स्टार्ट हो रहा है 9 अक्टूबर से उसकी डिटेल्स लें, ठीक है। अप्लाई करने में मुश्किल आ रही है तो उसकी वीडियो मैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी भेज दूंगा, और वैसे भी आप लोगों को मैं सेंड कर दूंगा, तो वो भी देख लेना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।